इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कीबोर्ड किसे कहा जाता है। कीबोर्ड दरअसल हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है डेटा को इनपुट लेने के लिए। अब हमारे पास जो डेटा होता है डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जैसे कि हमारे पास डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, हम कोई भी लेट सपोज कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं तो उसकी शक्ल में भी हो सकता है, इसी तरह कोई कमांड हो सकती है जो हम अपने इस कीबोर्ड से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड की एक पिक्चर दिखाई गई है, इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट से मुराद क्या है, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखूँ अगर यहाँ पे, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। इसी तरह अगर नंबर की अगर आप बात करते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी उसका नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप उसका एड्रेस पुट कर रहे हैं किसी स्टूडेंट का तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाउस नंबर 78। तो ये आपको एंटर करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, वो है कमांड। इसका क्या मतलब है कि आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कोई कमांड दे सकते हैं, यानी कोई टास्क करने के लिए कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसी स्टेटमेंट को, जो मैंने ऊपर एड्रेस लिखा है, इसको आपने कॉपी करना है तो आप कीबोर्ड से कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक की नज़र आ रही होगी, कंट्रोल की। इस कंट्रोल को और यहाँ पे सी को जब मैं एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ से हमारे पास ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो ये कंट्रोल और सी को हम एक साथ जो प्रेस कर रहे हैं, ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये एक कमांड है। इसी तरह अगर आप कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है ऑल्ट का, ऑल्ट का हम F4 के साथ जब प्रेस करते हैं तो बटन वो, तो वो सॉफ्टवेयर या वो कोई एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाती है, वो टर्मिनेट हो जाती है, तो इसे कहते हैं कमांड। तो ये कीबोर्ड जो है इसमें हमारे पास डिफरेंट, यहाँ पे जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं इनको कहा जाता है कीज़। और आमतौर पे एक कीबोर्ड में जो है वो 104 कीज़ होती हैं, यानी 104 इसमें बटन, ये 104 इसके अंदर कीज़ होती हैं किसी भी एक कीबोर्ड में। अब इस कीबोर्ड का ज़रा पहले आप स्ट्रक्चर समझ लें कि इस कीबोर्ड के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर टोटल जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर और ये वाला जितना भी पोर्शन है इसका, इस पूरे एरिया को कहा जाता है, इसको हम कहते हैं करेक्टर कीपैड, ये करेक्टर कीपैड कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे आपको जो ऊपर पोर्शन नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपको ये ऊपर के जो बटन नजर आ रहे हैं इन्हें कहा जाता है फंक्शन कीपैड। और यहाँ पे जो है आपके पास डिफरेंट बटन्स होते हैं F1, F2, F3, F4, जो कि खास किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं फंक्शन की पैड। अब चलते हैं, ये वाला जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर और ये नीचे, ये जो आपको एरोज के साइन नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कर्सर की पैड या कंट्रोल कीपैड, क्योंकि यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है तो हम उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक हमारे पास एक सॉफ्ट एक एप्लीकेशन है नोट पैड। अब इस नोट पैड पर देखें, यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट कीबोर्ड से जब टाइप करता हूँ तो इसके यहाँ पर आपको एक कर्सर नज़र आ रहा है। ये जो ये हमारे पास ये क्या है, ये कर्सर है, इसको हम आगे पीछे कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ कर्सर कीज हैं ये हमारे पास, अप डाउन लेफ्ट राइट, इनका इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब चलते हैं कीबोर्ड के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पे जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशंस जो हैं इन नंबर्स पे अप्लाई किए जाते हैं। इस कीपैड को, ये जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कहा जाता है न्यूमेरिक कीपैड, तो इसको हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। तो एक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में कितने जो हैं वो इसके पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ कीपैड्स ऐसे होते हैं, कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ मल्टीमीडिया ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको 4 बटन्स एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं, ये साउंड कम करना, साउंड ज़्यादा करना, या स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ा देना या उसको कम कर देना, ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये अब हमने कीबोर्ड का एक स्ट्रक्चर समझ लिया है।
अब हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम की बोर्ड को ओपन करें तो इसके अंदर हमें इस तरह का एक सर्किट नजर आएगा। ये इटसेल्फ दरअसल एक इंटरनल, एक छोटा सा इसके अंदर एक कंप्यूटर ही होता है। इसके अंदर आपको जहाँ पे ये सेंट्रल चिप नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं रोम। ये रोम कहलाती है। अब इस रोम के अंदर जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर उन तमाम करेक्टर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि आप की बोर्ड से प्रेस करते हैं। और ये जो रोम है, यहीं से जो है आप जो भी आप की प्रेस करेंगे, एक सिग्नल जनरेट होगा। वो सिग्नल आके इस रोम के अंदर जो हमने यहाँ पे बिल्ट इन टेबल है उसके साथ वो मैच होगा, उसके बाद यहीं से वो सिग्नल जो है वो आगे प्रोसेसर तक भेजा जाएगा, कंप्यूटर तक, यहाँ से हम इसको भेजते हैं। तो ये रोम की जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब चलते हैं, अगर हम की बोर्ड को ओपन करें तो हमें इसके अंदर इस तरह का जो है वो इसके अंदर एक कीपैड नजर आएगा, जिसके अंदर जो है वो सर्किट बना हुआ है, तमाम कीज जो है उनका जाल फैला हुआ है। और जिसकी अभी मैंने बात की थी, जिस सर्किट की, वो देखें वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये वो सर्किट है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे जो है एक रोम है जो कि इस पूरे कीबोर्ड को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोम। अब जैसे ही होता क्या है, जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो एक कीबोर्ड किस तरह से फंक्शन करता है। तो जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो ये कीबोर्ड का सर्किट होता है ये दरअसल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो वहां से जो है वो करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। और फिर यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमने एक नाम रखा है, उसको हम कहते हैं बाउंस। ये बाउंस सिग्नल जैसे ही जनरेट होता है तो ये फौरन जाके उस सर्किट के साथ कनेक्ट होता है, और उस रोम में जो मौजूद हमारे पास करेक्टर्स का टेबल है वहाँ से वो बाउंस करेक्टर जो है वो मैच होता है, और हमें ये और हमारे इस कंप्यूटर को ये पता चलता है कि आपने कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस की है। तो जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर से आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपने एंटर की प्रेस की, ऐसे आपने एंटर की प्रेस की तो कीबोर्ड के अंदर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हुआ, जिससे हमारे पास बाउंस जनरेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और वो फ्लो किया उसने रोम तक, और वहाँ पे हमारे पास एक करेक्टर मैप मौजूद है जिसके अंदर तमाम कीज का करेक्टर और हर एक की एक वैल्यू मौजूद है, और वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि आपने कौन सी की प्रेस की है, और फिर हमें जो है वो सिग्नल भेज दिया जाता है आपके मेन कंप्यूटर तक, और कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है और आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट आ जाता है। इसका आपको पता चल जाता है कि आपने अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस की है। तो इस तरह से एक कीबोर्ड काम करता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि कीबोर्ड दरअसल होता क्या है, और कीबोर्ड का स्ट्रक्चर दरअसल किस तरह का बना होता है, और कीबोर्ड जो है वो किस तरह से काम करता है।